ये चेहरा देखिए यार, आप लोग इस चेहरे को तो पहचानते ही हैं। सुधीर भाई, ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान। टीम इंडिया सबसे महान। नमस्कार, मेरा नाम है नलायक पत्रकार और इस बार यहाँ पर इंडियन फैंस की आई हुई है बाहर, क्योंकि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। मेरे साथ ये चेहरा देखिए यार, आप लोग इस चेहरे को तो पहचानते ही हैं। सुधीर भाई, मतलब क्रिकेट के इतने बड़े फैन और यहाँ पर इंडिया के भी फैंस यहाँ पर बहुत सारे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हो इस टाइम पर? महसूस तो यही है कि इस बार ही कहते भी हमको जितना ही है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं यार। यही है ना कि लास्ट टाइम हम लोग हार गए थे तो उसका जख्म तो हम लोग को गया नहीं, लेकिन इस बार हमारा यही सोच है कि कहते भी मुकाबला हो, कुछ भी हो, इंडिया इस बार लेके जाना। और रिकॉर्ड इतना बढ़िया है इंडिया का, लेकिन भाई एक मैच क्या हार गए हम दुबई में? इन्होंने कानों में से यार खून निकाल दिया पाकिस्तानी। तो देखो अभी एक बात है ना, जिसकी लाती उसकी भैंस, वक्त वक्त की बात है। उस वक्त उनका था, इस वक्त अभी देख लेते हैं। इस वक्त आने ही वाला है, वो हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया के हाथ में ही है, चाहे कुछ भी हो जाए या कोई कुछ भी बोले, इस बार तो इंडिया पक्की है। सुधीर भाई, आप यहाँ पर हो, हर बार टीम इंडिया का सपोर्ट करने आते हो, आपको भी बार बार ये पाकिस्तानी फैंस बोलते होंगे पिछली बार हरा दिया, इस बार क्या चल रहा है मन में? बस टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्म करेगी। अभी अपने हालिया सीरीज देखे कि इंग्लैंड सीरीज जीती अभी जाकर, फिर वेस्ट इंडीज में T20 वनडे जीते, फिर अभी जिम्बाब्वे में भी वनडे जीते, तो टीम इंडिया का चरम सीमा पे परफॉर्मेंस है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पहली मैच टीम इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत दर्ज करे। तो दुबई में बढ़िया माहौल बना हुआ है और यहाँ पर जैसा सुधीर भाई ने कहा, इंडियन टीम बढ़िया एक अच्छी लगातार सीरीज जीतती हुई आ रही है और यहाँ पर मुझे लगता है इसी तरीके से रहने वाला है। पर आप मुझे बताओ, अगर मतलब एज अ फैन हम सब लोगों को थोड़ा सा दुख तो रहती है, पिछली बार इन्होंने मैच भी जीत लिया इस तरीके से, आपको क्या लगता है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा जो मतलब जो खतरा है, खतरे की घंटी है, वो पाकिस्तान टीम में कौन से प्लेयर से लग रही है? असल में देखा जाए तो अभी तो बहुत सारे नाम है, जिसमें एक बाबर भाई को ले लो, ज़्यादातर उनका नाम ज़्यादा सामने आता है, लेकिन इस बार यही उम्मीद है कि चाहे कुछ भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा किसी के बारे में कि ये है, तब तो एक हमारे भी भाई प्लेयर है, ऐसा थोड़ी है कि भाई इनके अंदर सब में एक दूसरे में बाबर आजम और रिजवान, एक से बढ़कर एक लेजेंड है, होता ही है कोई भी जगह जाए आप, तो यही है, हम बस यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी कोई कुछ भी बोले कि भाई इससे खतरा ऐसा कुछ नहीं हो, खोल खेल पे डिपेंड रहता है। और टीम इंडिया की तरफ से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कौन देने वाला है? ज्यादातर आपको भी पता है कौन है, जिस नाम को बोलने का जरूरत नहीं है, लेग जंप और इंडल जी बहुत मतलब फेमस भी है, विराट साहब है, फिर रोहित साहब भी हो गए, बहुत सारे और क्या बोले। चलो यहाँ पर जितने भी फैंस है सब लोग यही चाहते हैं कि विराट कोहली की फॉर्म लौट कर आए और पाकिस्तान वाले मैच में लौट कर आ जाए तो भाई मजा आ जाए। अनकट पर लगातार बने रही है, दुबई का मूड हम लेकर आते रहेंगे। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें और एशिया कप की स्पेशल कवरेज के लिए देखते रहिए अनकट।